नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे वेब बकलिंग। वेब बकलिंग क्या होती है? तो उसके लिए सबसे पहले आपको पता है, एक बीम होता है। बीम में, दिस इज ए बीम, दिस इज ए बीम। इस पे एक लोड लगा हुआ है W, और उस पे ये रिएक्शंस है R। तो क्या होगा कि इधर स्ट्रेसेस ज़्यादा होंगी, इधर स्ट्रेसेस ज़्यादा होंगी, और इधर स्ट्रेसेस ज़्यादा होंगी अंडर द लोड। उसकी वजह से जो है, जो वेब होगा बीम का, वो ऐसे बकल कर जाएगा। दैट इज़ कॉल्ड दी वेब बकलिंग, दैट इज़ कॉल्ड दी वेब बकलिंग। वेब बकलिंग अकर्स अंडर द लोड। जब लोड, कंसनट्रेटेड लोड होगा बीम पे, तो उसकी वजह से वेब बकल कर जाएगा। दैट इज़ कॉल्ड दी वेब बकलिंग। ये देख लीजिए, ये लोड है। ये जनरली इट हैपन्स इन द वेब। दिस इज़ कॉल्ड वेब, दिस इज़ कॉल्ड फ्लैंज, दिस इज़ आल्सो कॉल्ड फ्लैंज। तो जो है वेब बकल कर जाता है। ओके, दिस इज़ हाउ दिस हैपन्स। इट इज बकल्स लाइक दिस। तो दिस इज हाउ इट बकल्स। तो इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले देख, दिस इज वेब बकलिंग। वेब बकलिंग अकर अंडर द हैवी कॉन्सेंट्रेटेड लोड्स प्रोड्यूस इन द रीजन ऑफ हाई कंप्रेसिव स्ट्रेसेस इन द वेब, आइदर एट द सपोर्ट और अंडर द लोड। दिस मे कॉज आइदर द वेब टू बकल एज शोन इन फिगर। सो दिस इज वेब बकलिंग। बकल कर गया ये वेब अंडर द लोड। ओके, ये जो बकल करता है, ये जो वेब होता है, लोड के अंदर स्ट्रट की तरह बिहेवियर करता है। ओके, इट कंसिडर्ड एज ए स्ट्रट। स्ट्रट का मतलब आपको पता ही है, एनी कंप्रेशन मेंबर, शॉर्ट कंप्रेशन मेंबर इज कॉल्ड द स्ट्रट, रिस्ट्रेंड बाय बीम फ्लैंजेस। सच स्ट्रट्स शुड बी कंसिडर एट द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड लोड और रिएक्शन एट द स्पोर्ट एज शोन इन फिगर बिलो। ओके, दिस इज़ द बीम। ये रिएक्शन है, ये W है। W इज़ अ कॉन्सेंट्रेट लोड। सबसे बड़ी बात यह है देखने वाली कि ये जो रिएक्शन का, ये स्पोर्ट की विड्थ है B1, जो लोड डिस्पर्शन लेंथ। ओके, इसमें इंपॉर्टेंट होती है लोड डिस्पर्शन लेंथ। ये जो आप देख रहे हैं B1 प्लस N1, दिस इज़ कॉल्ड दी डिस्पर्शन लेंथ। इस केस में डिस्पर्शन लेंथ क्या होगी? B1 प्लस 2N1। ओके, ये जो डिस्पर्शन एंगल है, दैट इज़ कंसिडर्ड एज 45 डिग्री। ओके, दिस इज़ द लोड। ओके, लोड इज़ कमिंग टू दिस बीम और ये डिस्पर्स हो रहा है 45 डिग्री पे। ये डिस्पर्शन लेंथ है, दिस इज़ कॉल्ड दी डिस्पर्शन लेंथ। ओके, दिस इज़ कॉल्ड दी डिस्पर्शन, दिस इज़ लोड, दिस इज़ लोड एंड दिस इज़ द डिस्पर्शन लेंथ। तो सबसे पहले हमें डिस्पर्शन लेंथ निकालनी पड़ती है, डिपेंडिंग ऑन द कितना डिस्पर्शन लेंथ हुआ। इस डिस्पर्शन लेंथ को हम एरिया निकालने के लिए, दिस इज लेंथ इज मल्टीप्लाइड बाय थिकनेस ऑफ वेब। ओके, दिस इज कॉल्ड द एरिया, एरिया ऑफ अंडर द लोड, जो इफेक्टिव एरिया है। इस लोड एरिया को हम मल्टी लोड निकालने के लिए, पी निकालने के, बकलिंग स्ट्रेंथ निकालने के लिए, इस एरिया को हम मल्टीप्लाई कर देंगे थिकनेस ऑफ वेब से। ओके, तो हमें चाहिए एक तो डिस्पर्शन लेंथ निकालना पड़ेगा, एक थिकनेस ऑफ वेब पता चलेगा, और दिस इज एरिया आ गया। एरिया के बाद इसको स्ट्रेस से मल्टीप्लाई करने का FC, दिस इज मल्टीप्लाइड बाय FC। ओके, तो हमारा लोड आ जाएगा। लोड का क्या हो गया? स्ट्रेस इनटू एरिया, स्ट्रेस इनटू एरिया। ओके, दिस इज़ द फार्मूला विच यू कैन गेट फ्रॉम द IS 800। ये जो लोड डिस्पर्शन है, ये लेंथ निकाली गई है पहले। दिस इज लेंथ ऑफ डिस्पर्शन B1 प्लस N1। ओके, ये और D/2 होती है, दिस N1 इक्वल टू D/2 बिकॉज द एंगल ऑफ डिस्पर्शन इज 45 डिग्री। दिस ओके, तो ये निकालने के बाद हम लोड निकाल लेंगे। द लोड स्प्रेड्स आउट ओवर ए फाइनाइट लेंथ ऑफ वेब एज शोन इन फिगर, दिस इज नोन एज डिस्पर्शन लेंथ। दिस डिस्पर्शन लेंथ इज टेकन एज B1 प्लस N1, B1 प्लस N1 डिस्पर्शन लेंथ।
okay, this is dispersion length. ओके डिस्पर्शन लेंथ निकालेंगे और इसको हम टी डब्ल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे और एफ सी से मल्टीप्लाएंगे। ये एफ सी की वैल्यू हम डिपेंड करता है कहाँ से लेंगे, ये कंप्रेसिव ये लेंगे हम, एफ सी की वैल्यू कोड से निकलेगी, आई एस 800 से निकलेगी। ओके जो हमने कंप्रेशन टेबल 9 है उससे निकलेगी। ओके उसके से निकाल लेंगे एफ सी। एफ सी डिपेंड करता है स्लेंडरनेस रेशियो लेमड़ा। ओके लेमड़ा पे डिपेंड करेगा, लेमड़ा इक्वल टू होता है 2.5 डी अपॉन टी डब्ल्यू। ओके डी क्या होता है, डी होता है ये आप देखेंगे डी, दिस इज डी, डी मीन्स एच वन, एच वन अपॉन टी डब्ल्यू क्या, दिस इज एच वन, यहाँ से लेके यहाँ तक एच वन, मतलब ये एच टू की वैल्यू माइनस कर देंगे टोटल एच में से। एच एस आई एस एम भी अभी एक क्वेश्चन भी करके देखें, आई एस एम भी 400 है मान लीजिए, तो उसके एच टू निकालेंगे माइनस टू एच टू, एच टू 32.8 है, तो एस टू की वैल्यू हम निकालेंगे उससे एस पी सिक्स से। ओके एस टू की वैल्यू एस पी सिक्स से पर्टिकुलर स्टील बीम के ऊपर जो है, तो ये एच वन आ जाएगा, एच वन अपॉन टी डब्ल्यू इंटू 2.5 गिव्स अस द स्लेंडरनेस रेशियो, एच वन अपॉन टी डब्ल्यू इंटू 2.5 ये स्लेंडरनेस रेशियो आ जाएगा। स्लेंडरनेस रेशियो के हिसाब से हम एफ सी निकाल लेंगे, तो एफ सी निकल जाएगा, ए निकल गया आपका एल इंटू टी डब्ल्यू, एल इज डिस्पेंशन लेंथ इंटू टी डब्ल्यू, दैट इज इक्वल टू ए, ए इंटू एफ सी इज लोड, लोड ऑफ द बकलिंग लोड। तो इसको निकालने के लिए एक बार करके देखते हैं, क्वेश्चन करके देखते हैं। ओके ये हमने पढ़ लिया, 2.5 डी अपॉन टी डब्ल्यू इज द लैम्ब्डा। ओके सिलेंडर रेशो ये, ओके ये निकालना पड़ता है सिलेंडर एफ सी निकालने के लिए, और टेबल लाइन से हमें पता चल जाएगा कि एफ सी की वैल्यू कितनी है। इससे पहले हमें चेक करना पड़ेगा क्लास ऑफ बकलिंग क्या है। क्लास ऑफ बकलिंग इज, फॉर दिस केस वी टेक क्लास ऑफ बकलिंग इज, इक्वल टू सी। ओके क्लास ऑफ बकलिंग इज सी। सो एक क्वेश्चन करेंगे, ओके मान लीजिए एक आई एस एम बी 400 है, उसकी एफ आई वैल्यू 250 है और विड्थ ऑफ द सपोर्ट 75 है, तो एच वन की वैल्यू हम निकाल लेंगे एस पी सिक्स से, सील टेबल से, या एस पी सिक्स से 334.4, टी डब्ल्यू 8.9 है आई एस एम बी का, तो हम निकाल लेंगे सबसे पहले निकालेंगे लेमड़ा, लेमड़ा इक्वल टू यू नो लेमड़ा इक्वल टू, ओके दिस लेमड़ा इक्वल टू एच वन अपॉन टी डब्ल्यू इंटू 2.5। ओके एच वन की वैल्यू पता चल गई, टी डब्ल्यू पता चल गई, 2.5 निकालेंगे तो ये दिस वैल्यू बिकम्स 93.88। ओके दिस इज 2.5 एच वन टी डब्ल्यू, ये लेमड़ा की वैल्यू आ गई। इस लेमड़ा की वैल्यू के लिए टेबल 9 में जाएंगे, ओके आई एस कोड टेबल 9 में जाएंगे, बकलिंग क्लास सी देखेंगे, बकलिंग क्लास सी देखेंगे, 90 लेमड़ा पे जो वैल्यू है 121 है, और 100 लेमड़ा पे जो वैल्यू है, लेमड़ा मीन स्लेंडरनेस रेशो, और वो 107 है, तो हमें चाहिए 93.88 के लिए। 93.88 के लिए निकालने के लिए हमें इंटरपोलेशन करना पड़ेगा, दिस इज़ हाउ यू कैन इंटरप्रेट। ओके इंटरपोलेशन के लिए तो बहुत आसान तरीका है, बट एफ सी इक्वल टू, ओके सबसे पहले तो ये दोनों को माइनस कर लो, 121 माइनस 1.07, इस डिफरेंस को इसके डिफरेंस से डिवाइड कर दो, 100 माइनस 90। ओके इसको मल्टीप्लाई कर लो 93.88 जिसके हमें निकालना है, और माइनस 90। ओके और ये किस में से माइनस हो रहा है, ओके जैसे ये बड़ा पहले लिया था 121, तो ये जो हो रहा है ये नीचे की तरफ जा रहा है। ओके दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 121 माइनस, दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी एफ सी, ये एफ सी की वैल्यू आ गई 115.56। ओके इसकी वैल्यू 115.56 आने के बाद आपको डिस्पर्शन लेंथ, डिस्पर्शन लेंथ तो आपको पता ही है एल इक्वल टू क्या है, डिस्पर्शन लेंथ देखें, इसमें डिस्पर्शन लेंथ इज डिस्पर्शन लेंथ इक्वल टू 75 प्लस डी बाई टू, डी बाई टू इज 400 इज दिस, तो 275 इज डिस्पर्शन लेंथ। ओके सेम फार्मूला लगाया, डिस्पर्शन लेंथ इक्वल टू 275, 200 प्लस 75, दिस इज टी डब्ल्यू, टी डब्ल्यू थिकनेस ऑफ वेब,
और ये स्ट्रेस और इनटू स्ट्रेस. ओके दिस इज बेसिकली करके एल, दिस इज इक्वल टू एल इनटू टीडब्ल्यू इनटू एससी बाय 1000. इसलिए किया क्योंकि इसको न्यूटन को किलो न्यूटन में डिवाइड करने के लिए इस वैल्यू को निकालेंगे तो हमारा जो बकलिंग लोड लोड आ गया 283 किलो न्यूटन. सो दिस आईएसएमबी 400 कैन टेक ए बकलिंग लोड ऑफ 283 किलो न्यूटन. ओके दिस आईएसएमबी जिस इज आईएसएमबी कैन टेक द लोड ऑफ 283 किलो न्यूटन, मतलब जो इसका रिएक्शन है 283 से कम होना चाहिए. ओके या लोड जो इस पर जो कॉन्सेंट्रेटेड लोड है वो अगर स्पोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है तो दिस इज द केस हाउ कैन यू कैन डिटरमाइन द बकलिंग लोड ऑफ द एनी आईएसएमबी. बकलिंग क्या है वो तो आपको पता है, शुरू में बताया था दिस बकलिंग. ओके दिस इज बकलिंग. बकलिंग अंडर टेक्स प्लेस अंडर द कॉन्सेंट्रेटेड लोड और रिएक्शन. थैंक यू.